तरीके से इन सब को टारगेट करता है। इस रेंज के हर प्रोडक्ट का अपना एक खास रोल है। स्किन केयर रूटीन में पहला स्टेप है क्लेंज। एज रिवाइव क्लेंजिंग मिल्क एंड आई मेकअप रिमूवर स्किन की इम्प्योरिटीज और मेकअप को जेंटली रिमूव करता है। एज रिवाइव एंटी एजिंग टोनर। इस क्लेंजिंग प्रोसेस को और इफेक्टिव बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप टोनर यूज करना ना भूलें। रूटीन में इसका एक अहम रोल है। ये पोर्स को टाइटन करता है और स्किन को प्योरीफाई करता है, जिससे स्किन टोन और तरोताजा हो जाती है। अगला स्टेप है आईज। ऑप्टिमल्स एज रिवाइव एंटी एजिंग आई क्रीम सर्कुलेशन बढ़ाकर डार्क सर्कल्स को कम करने में मदद करती है। अगला स्टेप है बूस्ट। इसके लिए हम यूज करेंगे एज रिवाइव एंटी एजिंग सेरम, जो इन लार्ज पोर्स के अपीयरेंस को कम करता है और स्किन की रेडियंस बढ़ाता है। इस डेली रूटीन का लास्ट स्टेप है मॉइस्चराइज। ऑप्टिमल्स एज रिवाइव एंटी एजिंग डे क्रीम SPF 15 में स्वीडिश नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ फर्मिंग एक्टिव एजेंट भी है, जो फाइन लाइंस और रिंकल्स को टारगेट करता है। दिन के एंड में यही चार स्टेप को फिर एक बार दोहराएं। बस याद रखें, डे क्रीम यूज करने की जगह नाइट क्रीम यूज करें। इसका बेस्ट पार्ट है कि ये चार स्टेप रूटीन आपकी स्किन नीड्स के अनुसार ऑप्टिमल्स की हर रेंज पर लागू होता है, एज रिवाइव, हाइड्रा और इवन आउट। इसे फॉलो करना वाकई बहुत इजी है। 2 मिनट और 4 सिंपल स्टेप, रोजाना 2 बार। सो व्हाट डू यू थिंक गर्ल्स? पिछले कुछ हफ्तों से मैं बहुत ट्रैवल कर रही हूँ और इस वजह से मैं अपनी स्किन का बिल्कुल ख्याल नहीं रख पाती। एंड रिसेंटली मुझे कुछ डार्क स्पॉट्स भी दिखाई दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्टिमल्स इवन आउट रेंज मेरे लिए ही डिजाइन की गई है। इट इज जस्ट परफेक्ट फॉर मी। आई नो व्हाट यू मीन शाहिद, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। इन फैक्ट लेटली आई हैव बीन सीइंग लॉट ऑफ साइंस ऑफ एजिंग इन माय स्किन, देयर मल्टीपल कंसर्न्स, और मैं उनको फाइट करने के लिए एक सिंपल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे एज रिवाइव मेरे लिए ही बना है। इन फैक्ट ये मेरे बिजी स्केड्यूल में एकदम अच्छे से परफेक्ट फिट बैठ जाएगा। एक्चुअली मेरा भी यही ख्याल है ऑप्टिमल हाइड्रा के बारे में। आई थिंक मेरे लिए मेरी स्किन का ध्यान रखना और उसे हाइड्रेटेड रखना एक अच्छी शुरुआत होगी। अच्छा, नाउ चलो, टेल मी व्हाट्स योर ग्रेट आइडिया दैट शाइन हैज बीन सो एक्साइटेड अबाउट। गो अहेड रिशिता। एक्चुअली इट्स जस्ट व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट। ऑप्टिमल हेल्प्स यू फाइंड योर बैलेंस।